अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, यही सत्य। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, वैसा वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये जो वीडियो है अभी कितना ट्रेंड कर रहा है, और कंपटीशन बहुत ही लो है इसमें, और बहुत ज़्यादा चैनल नहीं है, ठीक है, 2-4 चैनल खुला हुआ है। और आप अगर अभी चैनल खोलते हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि बहुत जल्दी ग्रो होगा चैनल आपका। मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैनल में सर्च करते हैं अकेला इंसान, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब में, एंड आप देख सकते हैं कि एक चैनल है अकेला इंसान नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, 111,000 सब्सक्राइबर है, 36 वीडियो केवल है। और यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के तौर पे ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी इनकी कब चैनल इनका बना हुआ है। तो इनका चैनल देख सकते हैं आपकी 28 फरवरी 2023 को यहाँ पर चैनल बना हुआ है, और 111,000 सब्सक्राइबर हो गया है एक महीना में, और एक दो महीना में। और आप देख सकते हैं 36 वीडियो केवल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं वीडियो में व्यूज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, देखिए एक दिन हो रहा है 61,000, दो तीन दिन हो रहा है 52,000, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 129,000, 144,000, 52,000, 1,000,000। फिर आपको हम पॉपुलर वाले वीडियो में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ पहले यहाँ डाला हुआ है वीडियो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,000,000, 1.7 मिलियन, 1,000,000, 7,73,000, इस तरह के बड़े बड़े व्यूज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आ रहे हैं इस तरह के वीडियो में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे इसे एडिटिंग करते हैं और कैसे वीडियो को बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखा दिया कि इस तरह के वीडियो अभी किस तरह से यूट्यूब में ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग इसको पसंद करते हैं देखना, क्योंकि ज्ञान वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं और एक नया चैनल खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे वीडियो को बनाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एडिटिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। पहले आपको गूगल में आ जाना है, एंड गूगल में एक वेबसाइट को आपको सर्च करना है जिसका नाम है पिक्साबे, ठीक है। तो पिक्साबे आपको सर्च कर लेना है, एंड इसको pixabay.com पे चले जाना है आपको। ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री आपको वीडियोस, म्यूजिक एंड इमेजेस आपको प्रोवाइड कराती है, और आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा अगर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करोगे या एडिटिंग करोगे तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में तो आपको सर्च करना है यूनिवर्स, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पर सर्च कर लेना है, एंड आप सर्च करने के साथ आप देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी है, आप वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे मैं क्लिक करूँगा, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड आपको रेशियो चूज करना है, एंड आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, एंड अगेन आपको फिर से डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो तो मिल चुका है आपको गूगल में। आपको एक बार गूगल में जाना है, एंड गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है कृष्णा क्वाइट सिंधी, ठीक है। जैसा कि मैं सर्च कर रहा हूँ आपको सर्च कर लेना है, एंड आपको देख सकते हैं कि कई सारे हमारे सामने वेबसाइट आ चुके हैं, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको भर भर के आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे, कृष्णा के मूल्य वचन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कोई वेबसाइट में चले जाना है, ठीक है। एंड चलने जाने के बाद आपके सामने देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है, एंड खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, ठीक है, राधे कृष्ण सुविचार, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राधे कृष्ण के यहाँ पे सुविचार बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसे कॉपी करना है सुविचार को, ठीक है, इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी करने के बाद आप इसे कॉपी करने के बाद अपने मोबाइल के नोटपैड प्रोग्राम में जाके सेव कर दीजिए, या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स बना लेना है। फिर से आपको गूगल में आ जाना है, एंड गूगल में आने के बाद आपको फिर से एक चीज़ लिखना, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है कृष्णा महाभारत, ठीक है। कृष्णा महाभारत सर्च करने के बाद आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कई सारे हमारे सामने कई सारे यहाँ पे इमेजेस आ चुके हैं महाभारत कृष्णा के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है कोई अच्छा सा इमेज, जैसे मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसे हम एक बार इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, और एक हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब आपको चले जाना अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में आपको लिखना है बीजी रिमूव, ठीक है। जैसे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बीजी रिमूव का वेबसाइट आ चुका है, इसमें आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड ब्राउज पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपने इमेजेस को जो आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसे, और आपको देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड हट चुका है, आप इसे डाउनलोड कर लेना है। हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब में आ जाना है आपको, एंड यूट्यूब में आपको सर्च बार में लिखना है कृष्णा, ठीक है, म्यूजिक नो कॉपीराइट, ठीक है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ आपको भी सर्च करना है, ठीक है, कृष्णा म्यूजिक नो कॉपीराइट आपको लिख देना है यूट्यूब में,
लिखने के बाद आपके सामने देख सकते हैं कई सारे आपको कृष्णा के बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसको आप में से जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन में एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एक वीडियो एडिटर जिसका नाम है VN ठीक है। तो इस ये बिल्कुल फ्री है और कुछ भी नहीं आता है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 मिलियन रिव्यू है। आप चलिए आपको बताता हूँ कि VN एप्लीकेशन में कैसे एडिटिंग करते हैं वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VN एप्लीकेशन में एंड आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है एंड आपको यहाँ पे जो वीडियो आपने डाउनलोड किया था बैकग्राउंड वीडियो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ आपको भी कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो आ चुका है। आपको अब आपको ऊपर वाले मीडिया वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है एंड आपको मीडिया फ़ोटो पर क्लिक करना है एंड एक बार फ़ोटो पर क्लिक करना है और आपको उस फोटो को ले लेना है जो आपने रिमूव किया था बैकग्राउंड ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसे और आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है बीच में ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको सेकेंड फ़ोटो को ले लेना है जो हमने सेकंड फ़ोटो यहाँ पे लिया था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और इसे को आपको साइड में एडजस्ट कर देना है ठीक है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ आपको कर देना है यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। फिर से आपको इसमें फ़ोटो पर क्लिक करना है एंड इसको आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से फ़ोटो पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसमें फ़ोटो पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक साइड मिरर का एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है। तो मिरर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है और इसको आपको साइड में उठा करके इधर ले कर रख देना है ठीक है। तो फोटो को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पर क्लिक करना है ठीक है और आपको इसको वीडियो के साइज पर आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ठीक है। जितना लंबा आपका वीडियो है उतना लंबा आपको इसको ठीक है एडजस्ट कर देना है। आपको सेम साइज में आपको तीनों को एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने को लेयर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है ठीक है। लेयर को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक लगाना होगा ठीक है। तो म्यूजिक लगाने के लिए आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे डाउनलोड किया है उस म्यूजिक को आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे म्यूजिक लग चुका है ठीक है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा म्यूजिक लग चुका है और हमारा 70% हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल हमें ऑडियो डालना है ठीक है। तो ऑडियो डालने के लिए आपको यहाँ पे म्यूजिक पर क्लिक करना है एंड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक लाल कलर का बटन दिख रहा है ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा और आप अपना वॉइस यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है। तो चलिए अपना वॉइस हम अपना डाल देते हैं। तो मैंने अपना रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर लिया है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा रेड कलर में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग किया हुआ हमारा रिकॉर्ड वॉइस यहाँ पे आ चुका है ठीक है। तो रेड कलर में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड की लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा ठीक है। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो चुका है। चलिए एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, यही सत्य। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रोफेशनल वीडियो बना लिया है। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वीडियो बनाया जाता है एंड कैसे